राहुल गांधी का ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, उन्होंने लिखा कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। और जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं, और सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है, और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा भी दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। अब साफ तौर पर राहुल गांधी की तरफ से जो ट्वीट आया उसमें वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शहंशाह है, ये जो शासक है, वो पूरी तरीके से बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा किए, बिना विपक्ष से संवाद किए इस कानून को उन्होंने पास किया। उन्होंने याद भी दिलाया कि जब इस बार संसद की विंटर सेशन जब चल रहा था, तब यहाँ पर 150 से ज्यादा यहाँ पर सांसद जब निलंबित थे, उसी बीच ये क्रिमिनल लॉ जो है वो लागू किए गए थे, और साथ ही साथ या उसी में हिट एंड रन केस पर भी ये नया प्रावधान लाया गया, पूरे कानून को बदला गया। उन्होंने कहा कि बिना चर्चा किए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और ड्राइवर्स के विरुद्ध इतना बड़ा फैसला आपने क्या सोचकर लिखा, और साथ ही उन्होंने कहा कि आगे जाकर इसका परिणाम बेहद ज्यादा घातक साबित हो सकता है। यानी राहुल गांधी अब यहाँ पर ड्राइवर्स के साथ नजर आ रहे हैं, उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और ट्वीट करके उन्होंने जताया कि किस तरीके से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। उनका कहना है कि न्याय क्या होता है और फरमान क्या होता है, उसका फर्क आप भूल गए हैं, और एक यहाँ पर कठोर शासक की तरह आप इस पूरे लोकतंत्र को ट्रीट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप भूल गए कि किस तरीके से ये ड्राइवर्स जो हैं और साथ ही साथ इनके घर के जो लोग हैं वो इनके पैसों पर पलते हैं, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि लोकतंत्र की आत्मा पर जो लगातार प्रहार हो रहा है, निरंतर प्रहार हो रहा है, वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और जल्द से जल्द अगर इस पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया तो इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। लगातार हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस प्रदर्शन पर सियासत जो है वो भी अब जोर पकड़ रही है, तो एक तरफ ड्राइवरों का गुस्सा है और दूसरी तरफ सियासत जो है वो इस पूरे मामले पर तेज होती नजर आ रही है, और विरोध प्रदर्शन पर सियासत बेहद ज्यादा तेज, और दूसरी तरफ सड़कों पर चक्का जाम। यानी इन पूरी चीज का अगर निचोड़ निकाले तो सिर्फ चालकों को, सरकार को इसका खामियाजा नहीं, सबसे ज्यादा जनता को इसका खामियाजा जो है वो भुगतने की जरूरत पड़ेगी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और एक बार फिर से बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध का एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। उन्होंने लिखा कि सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानून की भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा देगा। आखिरी में उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र का चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल गई है। तो उनका कहना है कि एक सीमित कमाई करने वाले वर्ग को कानूनी भट्टी में झोंकने का काम सरकार ने किया है, और कानून को इतना ज्यादा कठिन बनाया है कि इनकी जीवनी पर असर पड़ेगा, बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। तो अब इस पूरे कानून की निंदा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, और ये बिल तब पास हुए थे जब आपको याद होगा यहाँ पर जब संसद में सुरक्षा की चूक हुई थी और विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, और उसी बीच कम से कम 147 जो यहाँ पर सांसद है उनको निलंबित कर दिया गया, तो उसी बीच अंदर संसद में एक इक्का दुक्का विपक्ष के लोग मौजूद थे, और साथ ही साथ पक्ष ने मिलकर ये बिल जो है वो पास किया था, और उसके बाद लगातार जैसे जैसे बिल सामने आए उसमें हिट एंड रन केस को लेकर ये सामने आया कि 10 साल की सजा होगी अगर कोई घातक यहाँ पर कोई बड़ा वारदात होती है, या फिर ये जो ड्राइवर्स होते हैं वो किसी को कुचल कर अगर वहां से मौके से फरार हो जाते, वारदात से फरार हो जाते हैं, तो वहां पर 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना। जैसे ही ये बिल सामने आया
तमाम जो यहाँ पर चालक है पूरे देश के, वो बेहद ज्यादा उग्र नजर आए, उनमें रोष नजर आ रहे, उनमें गुस्सा है। उनका कहना है कि एक तरफ हम जिंदगी और मौत के बीच में सड़क पर दिन रात काम करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार को जब हमें जरूरत है, हम पर जब यहाँ पर मुश्किल आई है, तो सरकार मुंह फेर रही है। और आपको बता दें कि अब प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि जो सरकार इन तमाम चीजों पर वोट मांगती है उनको वोट नहीं दिया जाएगा। और अब आप देखें कि सरकार पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये फैसला देकर बहुत बड़ी चूक की है, क्योंकि अब पूरे देश भर में इस मामले को लेकर बेहद ज्यादा ये पूरा मामला जोर पकड़ रहा है, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, हम आपको बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर सियासत तेज हो रही है, बाकी चीजों में भी यहाँ पर जो जनता है वो भी इससे प्रभावित होगी। तो विरोध प्रदर्शन पर लगातार एक तरफ गुस्सा है चालकों का, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं का सियासत जो है वो इस पर जोर है। लेकिन फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, और जल्द ये आशा की जा रही है कि आज रात तक शायद जो बयान है वो आए, क्योंकि ये जो पूरा प्रदर्शन है अभी कल चल चुका है, आज दूसरा दिन है और कल और प्रदर्शन हो रहा है। और उनका ये भी कहना था कि 3 दिन का सिर्फ अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन अगर सरकार इस पर विचार करने की बात नहीं करेगी तो आगे ये प्रदर्शन बहुत दूर तक जाने वाला है।